हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री एकेडमी IAS। तो हम इक्वेटर आज कर रहे हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज से पास करता है, और सबसे पहले करेंगे हम साउथ अमेरिका। वेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी तरफ जाएंगे हम। साउथ अमेरिका में सबसे पहले पास होती है ये आपकी इक्वेटर से, इक्वेडोर। ओके, पहली कंट्री ये, और इक्वेडोर हो गया। उसके बाद ये जाती है कोलंबिया, और देन ब्राज़ील। जो हमारी इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर, वो आपकी तीन कंट्री से जाती है साउथ अमेरिका में, वो है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक एक्चुअली कंफ्यूजन रहती है कि क्या जो आपकी वो पेरू से जाती है या नहीं जाती। एक यहाँ पे देखिए, बहुत ही एक्चुअली इट्स नॉट विजिबल लाइक प्रॉपरली इन एनी मैप यू सी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो डिस्टेंस है बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। ये जो लाइन है इक्वेटर वाली, ये ऑलमोस्ट पेरू के बॉर्डर से जाती है, पेरू और जो कोलंबिया का बॉर्डर है। लेकिन पेरू से के बॉर्डर से इक्वेटर नहीं जाती, ये कन्फ्यूज़न का क्वेश्चन रहता है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ करते हैं कि कौन सी रिवर है, कौन सी रिवर, दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन की विच रिवर फ्रॉम साउथ अमेरिका इट स्टार्ट्स फ्रॉम इक्वेटर, द सोर्स ऑफ विच रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम इक्वेटर, वो ये है अमेजोन। आपकी जो अमेजोन है ये री, जो एक मकापा जिला है, MACAPA, जो एक मकापा एरिया है, एक सिटी है, यहाँ से स्टार्ट होती है अमेजोन, और ये बिल्कुल इक्वेटर है। तो अमेजोन का जो सोर्स होगा वो इक्वेटर पे होगा, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हमें दो चीज़ें पता लग गई कि अमेजोन का सोर्स इक्वेटर पे स्टार्ट होता है, जो साउथ अमेरिका की बहुत, इनफैक्ट दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स। और आपका ECB नमोनिक है ये इक्वेडोर से, कोलंबिया से और ब्राज़ील से आपकी इक्वेटर पास होता है। अब चलते हैं ईस्ट की ओर। तो इक्वेटर यहाँ पे एक बड़ी ही अजीब सी कंट्री है, साओ टोमे एंड प्रिंसिपे। तो एक तो सबसे पहली कंट्री ये हो गई, यहाँ से पास होता है इक्वेटर। एंड देन वी हैव गेबन जो कंट्री है, दूसरा आपका ये हो गया गेबन। और तीसरी कौन सी कंट्री है, तीसरी है आपकी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। जो आपकी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कंट्री है, वहाँ से आपका इक्वेटर पास होता है, ये वाली कंट्री यहाँ पे। ओके, तीसरी, तो पहली गेबन, दूसरी एक्चुअली पहली तो पहली कंट्री हो गई साओ टोम एंड प्रिंसिपे, दूसरी हो गई गेबन, और तीसरी हो गई आपकी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और चौथी, ये तीसरी हो गई, और चौथी कंट्री जहाँ से इक्वेटर पास होता है अफ्रीका में, वो है DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, चौथी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। पांचवी है आपकी कंपाला के पास से जा रही है, देखो, तो युगांडा से ये पांचवी हो गई आपकी। ओके, और छठी हो गई आपकी केन्या, सिक्स्थ है आपकी केन्या, और सेवन्थ है आपकी सोमालिया। हाँ, सोमालिया से जाता है सोमालिया, देखो अभी ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, देखनास कि सोमालिया से जाता नहीं जाता, तो सोमालिया से जाता है, यहाँ से इक्वेटर जाता है सोमालिया, तो सेवन्थ हो गई आपकी सोमालिया। तो फिफ्थ ही युगांडा, और सिक्स्थ की आपकी केन्या, और सेवन्थ है आपकी सोमालिया। तो अफ्रीका में हो गई ये कंट्रीज।
और अब देखो बहुत ही कुछ मुद्दे उठ रहे हैं। और देखो जो लेक विक्टोरिया है ये प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा है कि क्या इक्वेटर लेक विक्टोरिया से जाता है। यस जाता है। और लेक विक्टोरिया की जो बॉर्डर कंट्रीज है वो कौन कौन है? केन्या, तंजानिया और युगांडा। ओके, ये तीन कंट्रीज लेक विक्टोरिया की आपकी बॉर्डर कंट्रीज़ हैं। अब चलते हैं ईस्टर्न साइड अपने। फिर है आपका जो मालदीव्स है इंडियन ओशन में, यहाँ से यस मालदीव्स से आपका जो इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर पास होती है। और फिर जो इंडोनेशिया, देखो ये सारी दिस इज दिस दीज ऑल आर पार्ट्स ऑफ इंडोनेशिया। ओके, तो इंडोनेशिया से यस से इक्वेटर पास होता है। और लास्ट में यहाँ पे किरीबाती, किरीबाती दिख रहा है? यस, जो है आपका किरीबाती है, यहाँ से भी आपका इक्वेटर पास होता है। तो वी हैव कवर्ड कि इक्वेटर कहाँ कहाँ से पास होता है। अभी वी विल कवर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो इक्वेटर से रिलेटेड हैं, विच आर गोइंग ऑन अराउंड द कंट्रीज विच आर ऑन इक्वेटर। ओके, देखिए डिफोरेस्टेशन का बड़ा चक्कर चल रहा है आपका। डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन हो रहा है। और आपका जो अमेजोन है, अमेजोन फॉरेस्ट, वो बड़ा न्यूज़ में है। अमेजोन के बारे में पता करते हैं कि 17% जो दुनिया का O2 रिलीज़ होता है वो अमेजोन से ही होता है। इसीलिए से लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, और सेलवाज भी कहा जाता है। ठीक है, तो अमेजोन में क्या हो रहा है? अमेजोन के जंगलों को काट रहे हैं लोग। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो रिसोर्सेज की वजह से अपने आप को इकोनॉमिकली, अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो जंगल कटने से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, डिफोरेस्टेशन हो रहा है। तो जंगल कटने से आपका डिफोरेस्टेशन हो रहा है। रीज़न क्या है अमेजोन को काट रहे हैं ये अमेजोन ब्राज़ील में? एक्चुअली दो रीज़न है। एक तो आपका पास्चर्स के लिए, पास्चर्स, और दूसरा है आपका किसके लिए? एक तो पास्चर्स हो गया और दूसरा है आपका रबर के लिए। रबर के लिए बड़े बड़े पेड़ों को काटा जा रहा है। और वहाँ पे पास एक्चुअली क्या होता है ना कि जो ब्राज़ील, ब्राज़ील और अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना ये सबसे ज़्यादा क्या प्रोवाइड करते हैं यूरोप वगैरह को? यूरोप को क्या प्रोवाइड करते हैं? ये बीफ प्रोवाइड करते हैं। अब बीफ के लिए तो पास्चर्स चाहिए भाई। दैट्स वाई दे आर क्लियरिंग ऑल द फॉरेस्ट एंड दे आर मेकिंग श्योर दैट दे कम अप विद इनफ बीफ फॉर यूरोप। ओके, तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स। और रिसोर्सेज हो गए आपके, मिनरल्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अच्छा, अफ्रीका में भी दो कंट्रीज़ हैं जो इस चीज़ से गूज रही, अफ्रीका में दो कंट्रीज़ हैं जिसमें डिफोरेस्टेशन हो रहा है। एक तो आपका कॉन्गो ही हो गया, जो कॉन्गो बेसिन है। कॉन्गो बेसिन में क्या है, जो यूरोप में, यूरोप में एक्चुअली क्या हुआ, यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से रशिया ने, यूरोप ने रशिया से जो गैस है वो लेना बंद कर दिया। और उसके देन दे ऑब्वियसली यूरोप नीड्स एनर्जी, उसके लिए दे फाउंड अल्टरनेटिव्स। और जो कॉन्गो बेसिन है इज़ वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स, क्योंकि यहाँ से वो क्या ले रहे थे, यहाँ से वो कोल ले रहे थे। कॉन्गो बेसिन से यूरोप ने कोल लेना स्टार्ट कर दिया अपनी एनर्जी की नीड्स को पूरा करने के लिए। तो दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पे डिफोरेस्टेशन हो रहा है, फॉरेस्ट को ख़त्म किया जा रहा है। अब लेट्स मूव टुवर्ड्स इंडोनेशिया। देखो इंडोनेशिया से हम क्या लेते हैं, इंडोनेशिया से दुनिया में जो ऑयल आ रहा है पाम ऑयल, वो इंडोनेशिया ही दे रहा है पाम ऑयल।
तो उसके लिए भी यू नीड ज़मीन, तो दैट्स वाई दे आर क्लियरिंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं. और बड़ा ही दुखदाई है वहाँ पे. एक्चुअली ऑरंगटन्स जो आपके बंदर होते हैं, दे हैव लॉस देयर हैबिटेट एंड देयर नंबर्स आर लाइक डिक्रीजिंग सो सीवियरली. और एक डिफोरेस्टेशन जो इक्वेटर पे ये हो रहा है पाम ऑयल की वजह से हो रहा है. ओके, सो वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट लाइक जितनी भी इक्वेटर पे कंट्रीज़ हैं, आपके रीजन्स हैं, क्यों वहाँ पे डिफोरेस्टेशन हो रहा है, वी रिलेटेड देम विद आर करंट अफेयर्स. सो आई'ल सी यू नेक्स्ट वीडियो. आई होप यू एन्जॉय द दिस वीडियो. इट वॉज दो इट वॉज़ वेरी स्मॉल, एंड आई'ल सी यू नेक्स्ट वीडियो. ओके, टिल देन टेक केयर. थैंक यू.